जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप सबके लिए विवाह में आ रही परेशानियों को दूर करने हेतु उपाय लेकर आती हूँ। तो चलिए डायरेक्ट उपाय बताती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। तो अगर आप भी विवाह में आ रहे विलंब हो रही देरी की समस्या से परेशान हैं तो यह उपाय अवश्य करिएगा। दोस्तों, यह उपाय आपको सोमवार के दिन से शुरू करना है, अर्थात सोमवार को करना है। और चूंकि 25 तारीख को सोमवार है, प्रदोष है, सावन है, ये तीनों दिन है, तो यह एक अच्छा अद्भुत संयोग है। अगर आप इस दिन से इस उपाय को आरंभ करेंगे तो अति उत्तम और अति शीघ्र फल मिलेगा, क्योंकि किसी विशेष दिन से किया गया उपाय अगर शुरू करते हैं आप कुछ काम, तो वो अत्यधिक फलदायी होता है। तो उम्मीद करती हूँ इस प्रदोष 25 तारीख से आप यह उपाय अवश्य करेंगे। दोस्तों, इसके लिए आपके पास सामग्री होनी चाहिए: 31 मूंग के दाने, 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्र, साथ ही सफ़ेद और पीला चंदन। आपको जो भी यह उपाय कर रहा है, बेटा बेटी जिसकी जिसका कि विवाह नहीं हो रहा है, वह है, स्वयं अपने लिए कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैं आपसे एक बात और बताना चाहती हूँ, मेरे हर वीडियो में मैं जो भी वीडियो डालती हूँ वह उपाय बेटा बेटी दोनों के लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं। आप लड़के के विवाह के लिए भी कर सकती हैं, लड़की के लिए भी कर सकती हैं, फिर भी मेरे हर वीडियो में मैं ये बोलती हूँ। उसके बाद भी ये क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं कि क्या ये लड़के के लिए किया जा सकता है, क्या ये लड़की के लिए किया जा सकता है, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो प्लीज़ पूरा ध्यान से देखा करिए। यह उपाय भी लड़का लड़की दोनों के लिए ही है, इसे आप स्वयं भी कर सकते हैं, या फिर अगर बच्चे नहीं करना चाहते या किसी कारणवश नहीं कर रहे हैं तो माता पिता यह उपाय उनके लिए कर सकते हैं, बाकी दूसरा कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, ये सारी सामग्रियाँ एकत्रित कर लीजिए एक दिन पहले ही, क्योंकि सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता है, ये खास ध्यान रखिएगा। अब सोमवार के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके हो सके तो यह उपाय 9 बजे से पहले पहले आप कर लें। 9 बजे से पहले करना ही उचित रहेगा अगर आप इसका शीघ्र फल चाहते हैं तो। ये सारी सामग्रियाँ लेकर आप मंदिर जाइए, शिव मंदिर, भोलेनाथ के सम्मुख बैठकर उनको जल अर्पित करिए जिस तरह से करते हैं। इसके पश्चात जो 31 मूंग के दाने हैं वे आप नंदी जी का जो पैर उठा हुआ होता है उसके सम्मुख रख दीजिए, उनके पैर के पास नीचे। और इसके बाद जो 31 चावल के दाने हैं उन्हें पीले चंदन में डालकर उन्हें पीला करके, पीले रंग में रंग के अर्थात, पर पीले चंदन से ही रंगना है, जो आप पीला चंदन साथ में ले गए हैं उस पीले चंदन में डालकर उन चावलों को पीला कर लें। उसके पश्चात उसे अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ा दें, अर्पित कर दें। उसके पश्चात जो 31 बेलपत्र हैं उन पे आप सफ़ेद चंदन से टीका लगा दें। हर एक बेलपत्र पर आपको सफ़ेद चंदन से टीका लगाना है, हो सके तो बीच वाली जो लंबी पत्ती होती है उस पर ओम लिख दें, अगर नहीं लिख सकते तो आप सफ़ेद चंदन ही तीनों पत्तियों पर, प्रत्येक 31 बेलपत्रों की तीनों पत्तियों पर लगाकर एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित कर दें। उसके पश्चात वहीं बैठकर भोलेनाथ से अपने बच्चे के विवाह में आ रही परेशानियों को, हो रही देरी को, ग्रह दोषों को दूर करने की प्रार्थना करें और उनसे कहें कि प्रभु मेरे बच्चे की या मेरी, अगर आप खुद कर रहे हैं विवाह में, जो भी परेशानियाँ आ रही हैं उसे दूर करें, विलंब को दूर करें, ग्रह दोषों को दूर करें और कृपा करके शीघ्र विवाह का योग बनाएं। दोस्तों, यकीन मानिए यह उपाय बहुत ही चमत्कारी है और इसलिए और खास हो जाता है यह उपाय, क्योंकि यह आप प्रदोष के दिन, सोमवार के दिन,
सावन के दिन यह उपाय कर रहे हैं। सावन भी है, प्रदोष भी है और सोमवार भी है। इस शुभ मुहूर्त में आप यह उपाय करना शुरू कर रहे हैं, इसलिए यह अत्यधिक फलदायी होगा। दोस्तों, यह उपाय आपको लगातार 11 सोमवार करना है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रदोष के सोमवार से ही शुरू करना है, लेकिन हाँ, अगर आप उस दिन से करते हैं तो बहुत ही शुभ फलदायी होगा। यह उपाय आप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। मैं 25 जुलाई से इसलिए आपको फोर्स कर रही हूँ क्योंकि इस दिन एक अत्यंत ही शुभ संयोग बन रहा है, तो आप भी इसका लाभ उठाएं। और वैसे आप यह उपाय कभी भी किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं और पूरे 11 सोमवार आपको यह उपाय करना है। इसके पश्चात 11 सोमवार पूरे होने से पहले ही देखिएगा, आपके बच्चे का विवाह अवश्य ही तय हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस करिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे और आप उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, अपने सभी जानने वालों के साथ, हर ज़रूरतमंद के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। क्योंकि आप किसी का अच्छा करेंगे तो प्रभु आपका अच्छा पहले करेंगे। हो सकता है आप पूजा करने की सोचे बस ही और आपको उसका फल मिल जाए, इतना असर होता है दूसरों की मदद करने से, दूसरों का भला सोचने से। इसलिए आप भी सबका भला सोचिए और सबके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, हर हर महादेव।